क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सॉल्व करवाएंगे। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यानी कहने का मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पहचान कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री में सिक्स पार्ट है, हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब है सबसे पहले यहां समझिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री कितने डिग्री का एंगल होता है। तो देखिए सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है, ये सप्लीमेंट्री जो दिया गया है ये हमारा 180 डिग्री का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए फर्स्ट पार्ट में ये दिया गया है 65 डिग्री 115 डिग्री, इन दोनों को ऐड करते हैं तो अगर 90 डिग्री आता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और अगर 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। बस हमें नाम लिखना है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए यहां पे फर्स्ट पार्ट में 65 डिग्री कॉमा 115 डिग्री, इन दोनों क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो यहां लिखेंगे 65 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस 115 डिग्री। चलिए ऐड कर लेते हैं यहां पे, देखिए यहां 5 पर यहां भी क्या है 5, 5 और 5 क्या मिला 10, 10 कर 0। अब देखिए यहां 6 है और यहां क्या है 1, 6 और 1 क्या मिला 7 और एक कैरी था कितना हो गया 8, बचा क्या हमारे पास 1 बचा, यहां पे कोई संख्या नहीं है तो 1 को यहां पे क्या करेंगे उतार लेंगे, तो कितना मिल गया 180 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे लिखिए दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखे यहां पे, इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 63 डिग्री कॉमा 27 डिग्री। ठीक है, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए ऐड करके दिखाते हैं आपको, 63 डिग्री है यहां पे लिखिए 63 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस 27 डिग्री। ठीक है, चलिए ऐड करके दिखाते हैं आप, देखिए यहां 3 है और यहां पे क्या है 7, 3 और 7 कितना मिला 10, 10 का 0 कैरी हुआ 1, अब देखिए 6 और 2 कितना हुआ 8 और एक कैरी 9, यानी कितना मिल गया 90 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा एंगल हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पे लिखिए दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखें, इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया, 112 डिग्री कॉमा 68 डिग्री, क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो लिखिए 112 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस कितना मिला 68 डिग्री। चलिए ऐड करके देखते हैं कौन सा एंगल मिलता हमें, तो देखिए यहां पे ऐड करते हैं, देखिए यहां 2 है और यहां पे क्या 8 है, 2 और 8 कितना मिला 10, 10 का 0 लिखेंगे, देखिए यहां पे
वन है और यहाँ पे क्या है सिक्स, वन और सिक्स सेवन और एक कैरी था कितना हो गया एट। अब यहाँ क्या बचा वन, यहाँ कुछ कोई भी संख्या नहीं है तो वन ही हम क्या करेंगे उतार लेंगे डिग्री। तो देखिए कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहां पे लिखिए दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है हिंदी मीडियम लिखें, इसलिए यह सनपूरक कोणों का युग्म है। ठीक है चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फोर्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया 130 डिग्री कॉमा 50 डिग्री। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ऐड करेंगे, यहां लिखिए 130 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस कितना मिला 50 डिग्री, ऐड करके देखिए कौन सा एंगल बनेगा। जीरो मिला और यहां भी क्या है जीरो, जीरो को जीरो उतारिए, यहां क्या मिला थ्री और फाइव कितना मिला एट, क्या बचा वन, एडिटिव उतारिए डिग्री, ये कितना डिग्री हुआ 180 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, तो यहां पे लिखिए दिस आर सप्लीमेंट्री एंगल। हिंदी मीडियम लिखें, इसलिए यह संपूरक कोणों का युग्म है। ठीक है चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या दिया 45 डिग्री कॉमा 45 डिग्री, चलिए क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, यहां लिखिए 45 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस, फिर क्या मिला 45 डिग्री, ऐड कर लीजिए, देखिए फाइव है यहां भी क्या है फाइव, फाइव फाइव क्या मिला टेन, टेन का जीरो कैरी हुआ वन, फोर और फोर कितना मिला एट और एक कैरी कितना हुआ नाइन, यानी कितना मिला 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल बना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां पे लिखिए दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है हिंदी मीडियम लिखें यहां पे, इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। ठीक है चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं। तो देखिए लास्ट पार्ट में इन्होंने क्या दिया 80 डिग्री कॉमा 10 डिग्री, चलिए ऐड करके देखते हैं, यहां लिखिए 80 डिग्री कॉमा मिला यानी प्लस, 10 है 10 डिग्री लिखिए ऐड कीजिए, देखिए जीरो मिला यहां भी जीरो, जीरो का क्या मिलेगा जीरो ही मिलेगा, एट और वन क्या मिला नाइन, ठीक है यानी डिग्री। ये कौन सा एंगल बना हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है 90 डिग्री का ही होता है, यहां लिखिए दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हिंदी मीडियम लिखें, इसलिए यह पूरक कोणों का युग्म है। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, दैट्स इट।